press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back to my channel Beauty Blog. आज की वीडियो में मैं एक ट्रिमर का रिव्यू करूंगी. तो जिस ट्रिमर का मैं रिव्यू करने जा रही हूं वो है स्वीट का सेंसिटिव प्रिसीजन ब्यूटी स्टाइलर ट्रिमर. ये ट्रिमर मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया था. इसकी जो कॉस्ट है वो 250 से 300 रुपीस के बीच में, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था तो मुझे इसका एक्चुअल प्राइस याद नहीं है. सो ये 300 के अंदर ही है ये प्रोडक्ट. और ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल बीट के जो इलेक्ट्रिक ट्रिमर आता है सेंसिटिव टच वाला उसकी तरह है. तो ये उसका ड्यूप प्रोडक्ट है और ये बीट का ट्रिमर नहीं है, ये स्वीट का ट्रिमर है. तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है. और इस पे जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं सब दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, चाइनीज में ही लिखे होंगे. तो वीट का जो सेंसिटिव टच वाला ट्रिमर आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है. वो अराउंड 1599 का आता है और पहले तो उसका प्राइस और भी ज्यादा था, बट अब वो उसका प्राइस कम हो गया है. तो मैंने सोचा कि वीट का ट्रिमर ट्राई करने से पहले मैं ये स्वीट का ट्रिमर ट्राई कर लूँ. ये उसी का ड्यूप प्रोडक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है, अराउंड 250 या 300 रुपीज में आपको मिल भी जाएगा. तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है आपको. और अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं यूज कर पा रहे हैं इसको सही से, तो बहुत ही ज्यादा आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि 250 या 300 तो सही है, कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है. और अगर आप वीट का खरीदते हैं तो वो 1500 या 2000 का मिलेगा. तो उसमें अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं उसको सही से तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो फालतू में पैसे भी वेस्ट होंगे. इससे बढ़िया है कि आप कोई भी ड्यूप प्रोडक्ट ले लीजिए और आप पहले उसको यूज करके देखिए कि आप सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. वैसे इसको यूज करना तो बहुत ही ईजी है. तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसे पैक होके आता है, देख सकते हैं. तो आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेपर मिल जाएगा, इस पे लिखा हुआ है. एंड बाकी यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स मिल जाएंगे अलग अलग, एक ही अटैचमेंट मिल जाएगा. एंड आपको बैटरी नहीं मिलती है इसमें, ये बैटरी मैंने अलग से रखी हुई है इसमें. उसके बाद एक ये, देन ये अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, और ये जो मेन ट्रिमर है वो. तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसी थी. ये जो ट्रिमर है इसके जो अटैचमेंट है वो बहुत ही ईजिली आप चेंज कर सकते हैं, जीरो पे है तो आपको इसको इधर साइड टर्न करना है, देन ये ओपन हो जाएगा. बैटरी आपको इंसर्ट करनी है इसमें, ये लॉक हो गया है अब. और इसको अब स्टार्ट करने के लिए आपको इसको वन की तरफ मूव करना है. जैसे आप मूव करेंगे आप देखेंगे इसमें साउंड आने लगता है, ये वाइब्रेट होने लगता है ट्रिमर. इसके साथ आपको एक और अटैचमेंट मिल जाता है जिसका यूज आप कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को शेप करने के लिए. मैं तो इसका यूज नहीं करती क्योंकि मुझे इसका कोई खास यूज लगा नहीं, तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं. तो जब आपकी आईब्रो शेप हो जाए उसके बाद आप ये कैप लगा सकते हैं इस पे, ये इजीली लॉक हो जाएगा कैप. उसके बाद जो दूसरा अटैचमेंट है इसके साथ वो ये वाला अटैचमेंट है. इस अटैचमेंट का यूज आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं या फिर अपने अपर लिप्स को रिमूव करने के लिए. तो ये भी ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही ईजीली. इसके साथ आपको एक ही अटैचमेंट मिल जाता है, इसका यूज आप कर सकते हैं. आप इसको इसमें ऐसे करके फिक्स कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं अभी फिक्स हो गया. और ये है पूरा ट्रिमर. इसके साथ एक ब्रश भी मिलता है जो कि खो गया है मेरे पास से. ये वाला जो इसका अटैचमेंट है ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इजीली इससे हेयर रिमूव हो जाते हैं. एंड ये जो आईब्रो वाला है थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करने में, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता खास, और कुछ खास अच्छे से वर्क भी नहीं करता. ये वाला जो अटैचमेंट है ये अच्छे से वर्क करता है, वाला नहीं करता है. तो मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे ये है कि अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो वीट के सेंसिटिव टच वाले ट्रिमर से तो बहुत ही कम है, क्योंकि वो अराउंड 1599 का मिलता है एंड ये 250 या 300 के बीच में आ जाता है. तो उस हिसाब से प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो ये ठीक है, इसका प्राइस ठीक है. बट ये वाला अटैचमेंट सही से काम करता है, जो दूसरा वाला अटैचमेंट है वो कुछ खास अच्छे से काम नहीं करता. ये वाला सही से काम करता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, सही से करता है. तो ठीक था ओवरऑल इसका जो रिव्यू है वो ठीक ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है. तो ये था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें. मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए.